14.3.4 कोशिका विभाजन, लैंगिक प्रजनन व युग्मकों का निर्माण, सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मनुष्यों की किशोरावस्था के समय से नर व मादा के जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होने लगता है। युग्मकों का निर्माण हमें ऐसे सभी जीवों में नजर आता है जहां नर व मादा की भूमिका नजर आती है। युग्मकों का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है, मगर यह समसूत्री विभाजन न होकर एक अन्य प्रकार का विभाजन होता है जिसे मियोसिस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कम होना या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। जनन कोशिकाएं बनने में समसूत्री विभाजन होने से हर पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ कितनी मात्रा में बढ़ जाएगा? जनन कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में कितना आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए कि आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहे? जनन कोशिकाओं के बनने में आनुवंशिक पदार्थ में समसूत्री विभाजन की तुलना में कई गुना अधिक फेरबदल होता है। गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। इसके साथ साथ जनकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य की कोशिकाओं में जहां 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र है, जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र ही होते हैं, अर्थात प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में होता है। क्या आप जानते हैं मनुष्य के गुणसूत्रों का चित्र इस प्रकार दिखता है? हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में कुल मिलाकर इतने गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। चित्र में XX और XY लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र का जोड़ा है। 14.3.5 लैंगिक बनाम अलैंगिक, सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि लैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक पदार्थ में अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा अधिक फेरबदल के कारण संतति जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है।
इससे लैंगिक प्रजनन से बनी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवों के विकास में विविधता की क्या भूमिका होती है? लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों को विविधता से क्या फायदे होते होंगे? लैंगिक प्रजनन द्वारा जीवों में अधिक विविधता आती है तो क्या अलैंगिक प्रजनन द्वारा विविधता नहीं आती? चलिए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4, यह प्रयोग बारिश के मौसम के ठीक बाद किया जाए तो अच्छा होगा। आलू के ऐसे टुकड़े कर लीजिए जिनमें कम से कम एक आँख हो। हर एक आँख वाले हिस्से को मिट्टी में थोड़ी दूरी में बो दीजिए। ध्यान रहे हर दो टुकड़ों के बीच एक बित्ते के बराबर जगह हो, साथ ही यह टुकड़े मिट्टी के ज़्यादा अंदर धंसे हुए न हों। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देते रहिए। कितने दिन बाद पौधे नजर आए? एक आलू से कितने पौधे बन गए? क्या सभी टुकड़ों से पौधे बने? क्या सभी पौधे एक जैसे थे? आलू के पौधों में विविधता कैसे उत्पन्न हुई होगी? क्या इस प्रकार का प्रजनन लैंगिक है या अलैंगिक? हमने इस प्रयोग में देखा है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा भी विविधताएं होती है। विविधताओं की वजह से सामान्यतः किसी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है।